जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर बात करेंगे आप सभी से माँ काली के शनिवार के व्रत के बारे में। माँ काली के शनिवार के व्रत क्यों रखे जाते हैं, कैसे रखे जाते हैं और कितने किए जाते हैं, इस व्रत के बारे में आज हम यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देंगे, ताकि आप लोग इस व्रत को करके इसका लाभ उठा सके। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं, अपने बहुत ही प्रचंड देवी हैं और अपने क्रोध और गुस्से से जानने वाली माँ काली अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बनाकर माँ काली के शनिवार के व्रत रखने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, मनवांछित फल प्राप्त होता है। विधि विधान से माँ की जो पूजा हम करते हैं, दैनिक पाठ करते हैं, उससे हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए आज हम यहाँ पर बात करते हैं माँ काली के शनिवार की व्रत कथा, व्रत के बारे में। व्रत कथा माँ की जो है इस व्रत में पढ़ी जाती है, जो मेरे मुख से बार बार निकल रही है। तो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते कि माँ शनिवार का व्रत रखते कैसे हैं, क्या विधि होती है और कितने व्रत हमको माँ के रखने चाहिए। तो दोस्तों, माँ का जो शनिवार का व्रत है, तो शनिवार का व्रत है तो शनिवार को ही रखा जाता है। अब रखा कैसे जाता है कि शनिवार के दिन आपको सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। स्वच्छ कपड़े पहनकर आप सुबह अच्छी तरीके से पवित्र हो जाएं, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने, फिर आप अपने मंदिर में जो दैनिक पूजा करते हैं उस पूजा को करें। फिर आप नीचे एक चौकी लगाएं, चौकी पर आप एक लाल रंग का कोरा वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर आप माँ की प्रतिमा को रखें। अगर आपकी छोटी प्रतिमा है, पीतल की प्रतिमा है, या आपकी कोई छोटी प्रतिमा है जिसका आप अच्छे से स्नान करा सकें, स्नान कराने योग्य अगर आपकी प्रतिमा है तो आप उस प्रतिमा को स्नान कराएं, माँ को वस्त्र अर्पण करें, माँ को शोला श्रृंगार अर्पण करें और माँ का श्रृंगार करें, माँ को वस्त्र पहनाएं, माँ का पंचोपचार पूजन विधि करें। और यदि आपके पास माँ की कोई तस्वीर है जो स्नान कराने योग्य नहीं है, तो आप उसके ऊपर सिर्फ कुछ जल के छींटे मारकर उसकी उस तस्वीर को आप पोंछ कर वहीं पाटे पर जो आपने लाल वस्त्र बिछाया है उसके ऊपर रख दें। उसके बाद आपको एक तांबे का कलश भरना है और मुट्ठी भर अक्षत का ढेर रखना है उसी चौकी पर, जिस पर आपको वो तांबे का कलश जो आप भर कर रखेंगे वो रख देना है। वो कलश आप भरकर तांबे का वहां पर रख देंगे, उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। नारियल जो, वैसे तो आप जटा वाला नारियल रख सकते हैं, लेकिन आपने व्रत का संकल्प कितने दिन का लिया है, 9 शनिवार का लिया है या उससे अधिक लिया है, तो आपका जो वो नारियल खराब ना हो जाए उसके लिए आप पूजा वाला नारियल लें, जो सख्त वाला नारियल होता है ना उसको आपको लेना है। ना ही तो आपको जटा वाला लेना है, ना आपको वो गरी वाला नारियल लेना है जो घिसकर हलवे या खीर पूरी में हम लोग डालते हैं, वो नहीं लेना आपको। आपको सख्त वाला नारियल लेना है जो किसी पंसारी दुकान पर आपको बहुत ही आराम से प्राप्त हो जाएगा। वो नारियल आपको उस कलश पर रखना है, उस पर आप एक कोई चुनरी लपेट कर रखें तो बहुत अच्छा है। फिर वहां पर आप माँ को दीप धूप अर्पित करें, माँ को जल अर्पित करें, पंचोपचार पूजन विधि करें और वहां पर बैठकर आपको संकल्प लेना है माँ के सामने। आप जिस मनोरथ को पूरा करने के लिए व्रत रख रहे हैं वो माँ को बतानी है, अपना परिचय देना है, फिर माँ को अपनी मनोकामना बतानी है। हे महामाई, मैं आपके 9 शनिवार के व्रत रखूंगी या रखूंगा, आप मेरी ये मनोकामना पूरी करें। अब जो भी मेरे घर में, जो मेरे परिवार में, जो मेरे जीवन में कष्ट चल रहा है, जिसके लिए भी आप ये व्रत रख रहे हैं, आज से ये
सारा कार्य आपको संभालना है, आप ही देखें और मैं आज से ये सब जो जिम्मेदारी है आपको समर्पित करती हूँ और आपके नौ शनिवार के व्रत में विधि विधान से करूंगी और उसकी उद्यापन विधि भी करूंगी। आप इस व्रत में मुझसे अगर कोई गलती भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा याचना दीजिए और मेरे व्रत को स्वीकार करें और आगे मेरा मार्गदर्शन करें, ऐसा आपको संकल्प लेकर वहां पर वो अक्षत और जो आपने फूल पुष्प हाथ में लिया है, जल लिया है, वहीं पर छोड़ दें। फिर आपको माँ के शनिवार के व्रत की कथा पढ़नी है, माँ के शनिवार व्रत कथा आपको पढ़नी है वहां पर बैठकर। माँ की चालीसा का पाठ करें, माँ की आरती करें, काली कवच का पाठ करें, आप वहां पर बैठकर माँ के मंत्रों का जाप करें जहां आपने चौकी लगाई है। माँ को आप लौंग बताशे का भोग दें जोत पर, माँ को पान पेड़े का भोग दें, आप माँ को फल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, माँ का श्रृंगार करें, ये सारे कार्य आपको करने हैं वहां पर। चौकी पर नीचे रखा है, मंदिर से अलग आपको चौकी लगानी है जिस पर आप मांगे पंचोपचार पूजन विधि कर सकेंगे, पाटे पर रखनी है आपको नौ शनिवार के व्रत का जब संकल्प लेते हैं। आपके नौ शनिवार के व्रत जैसे ही पूरे हो जाएं तो दसवें शनिवार को आपको माँ की उद्यापन विधि करनी है। वो उद्यापन विधि कैसे करते हैं वो भी आप यहाँ पर मुझसे जान लीजिए। माँ के शनिवार की उद्यापन विधि में आपको जैसे नवरात्रों में हम कन्या पूजन करते हैं उसी प्रकार से सुबह आपको उसका स्नान करना है। जैसे आपने चौकी हर शनिवार को लगाते हैं उसी तरह से आपको शनिवार को चौकी लगानी है। माँ को आपको पुष्प अर्पित करने हैं, फल अर्पित करने, धूप दीप अर्पित करना है और जो जल भरकर आप हमेशा रखते हैं वही जल आपको भी भरकर रखना है। आप हलवा छोले पूड़ी जो आप कन्या पूजन में बनाते हैं, जो नवरात्रों में आप बनाते हैं, नवमी पर कन्या पूजन जब हम करते हैं उसी प्रकार से बनाना है। माँ की अग्यारी करनी है, अग्यारी पर माँ को पहले भोग अर्पित करना है, जो भी आप भोजन बना रहे हैं कन्या पूजन के लिए वो सारा भोग माँ को अर्पित करना है। उसके बाद आपको नौ कन्याएं बिठानी है और नौ कन्याओं को बिठा कर आपको जिमाना है। नौ कन्याओं के साथ में एक या दो लांगुर जरूर बिठाने होते हैं आपको और इसी प्रकार से वो होता है आपका माँ का जो शनिवार के व्रत का है उद्यापन। वो उद्यापन विधि होती है जिस प्रकार से नवरात्रों में नवमी के दिन हम कन्या पूजन करते हैं सेम उसी प्रकार से शनिवार के व्रत की जब हम उद्यापन विधि करते हैं वो भी उसी प्रकार से की जाती है। सुबह में स्नान करके हलवा छोले जो आपके ऊपर सामर्थ्य हो उस हिसाब से आपको बनाना और कन्या को बुलाकर उनका पूजन करना है, उनको भोग प्रसाद खिलाना है। तो ये है विधि माँ शनिवार के नौ शनिवार के व्रत करने की विधि और उसका उद्यापन विधि करने की संपूर्ण जानकारी। इस विधि को करने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना माँ पूरी करती है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं, उसकी मनोकामना पूरी होकर उसको मनवांछित फल प्राप्त होता है। ऐसी और अधिक वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। जय माँ काली। हर हर महादेव।